तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और बढ़िया सी रिएक्शन वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो यार, कब करोगे हैं, क्लिक्स कर दो। बाकी हम देखते हैं आज की पहली वीडियो जिस पे 1 मिलियन लाइक है। अरे ये तो मेरी वीडियो है। उस दिन मैं सोच रहा था कि इस पानी ने मुझे आज जला क्यों नहीं दिया, ये सब देखने से पहले। वैसे वीडियो डालने के बाद मेरे पास जो कमेंट आए थे उसके हिसाब से भी मैं एक बार बात करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि धूला पीछे बैठा है और ये कोई रस्म है। और अगर ये कोई रस्म है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ ताकि मैं अपनी इंस्टाग्राम पे रील डिलीट कर सकूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे आके बता देना है ना, फॉलो भी कर लेना। बड़ा हरामी हो बेटा। अमरूद खा लो फ्रेंड। भाई मुंह है क्या है, इतनी जगह कहाँ से आ रही है कि पूरी की पूरी फुल्की खाने में ओंक देते हैं लोग यहाँ पे। आज पता लग गया कि हमारी प्रजाति बंदरों से ही निकल के बनी है। कितने सारे लोगों को मैंने फुल्की तोड़ तोड़ के खाते देखा है और उसको देखो पूरा अमरूद खा गई वो। भाई साहब मुंह है चबूतरा। पूरी बंदर लग गई है भाई। व्हाट अ शॉट। खड़ा ही क्यों होता है भाई, ट्रेन के पास कौन खड़ा होता है ऐसे। अच्छा इंतजार कर रहा होगा ट्रेन जाए फिर हगने जाए। हैं सब थोड़ा ना टिकटॉक वालों जैसे हैं कि इंटरनेट पे हगे आए। मैं अब नहीं हूँ टिकटॉक वाला, मेरे पे फिर से लांछन नहीं लगना चाहिए। हर बार बताना पड़ता है यार। द वर्स्ट टाइम टू प्ले द स्टेचू गेम। वैसे आइडिया अच्छा है, कोई अगर सुसाइड कर रहा हो तो उसे स्टैचू बोल दो, वो रुक जाएगा। शायद ऐसे ही होने वाला है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। उसने पूरा हाथ दिया, उसके हाथ में बिचारी की राखी आई और ये राखी टूट गई बिचारी। ये स्टैचू तो करेंगे अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं दुखी हूँ, इमोशनल हूँ इस सीन पे कि हंसूं। भाई वो हवा में गिर रही है, ग्रेविटी खींच रही है उसको, अब कोई स्टैचू विस्टैचू नहीं होगा। वैसे पुराने के जमाने में फिर भी इतना ज्यादा साइंस के साथ नहीं खेला जाता था जितना आप खेला जा रहा है। जुई गाड़ियां हवा में उड़ती हैं। शौक लग गया इसलिए बिकॉज अब किसके साथ खेलेंगे स्टेचू। वैसे भाई तू स्कूल जा, सिलर साहू स्कूल की जरूरत है। सोच लग गया, लड़की को भी गिरते गिरते हंसी आ गई होगी। स्टेचू पर जो भी हो गेम तो हार गई लड़की। स्टेचू माय बेस्टी एज अ मदर। अभी मुंह धोऊंगी ना, मैं निकलूंगी। बेचारा बच्चा, भाई बच्चा माँ को नहीं पहचान रहा है, मेकअप इस दौर पे पहुंच चुका है। और मेकअप की बात रही तो जिन लोगों ने मेन चैनल की वीडियो नहीं देखी है जाके देखो, क्या बढ़िया वीडियो है भाई वो। और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे तूने मेकअप के नाम पे अपने मुंह पे पूरा प्लास्टर और पेरिस चिपका रखा है। जाके देखो मेन चैनल की वीडियो। बाकी मेरी मम्मी ने तो बचपन में कभी मेकअप ही नहीं किया, मेरी मम्मी तो लिपस्टिक लगाती है बस, वो भी बहुत कम। ऐसा बच्चा तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। माँ का प्रेम है दोस्तों, आंसू भी पोछे जा रहे हैं और डाटा भी जा रहा है, पढ़ाई करवाई जा रही है। क्या फायदा रोने से उसे? क्यों क्यों चुप रहूं मैं? उसने बढ़िया अपने आंसू ऐसे करके और फिर से बेचारा पढ़ाई लिखाई में लग गया। आप चुप रहो, पापा की इज्जत क्यों नहीं कर रहे बच्चे हैं? मेरी मम्मी तो अगर मैंने मम्मी को कुछ बोल दिया तो फिर भी चल जाता था, पापा को अगर कुछ बोल दिया फिर तो दीवार में गड्ढे हो सकते हैं, इतने तेज सर मारा जाता था। और आप भी मम्मी और ये पापा है। रोने से क्या फायदा होगा, रोने से क्या मिलेगा? मैं चॉकलेट दूंगा, मम्मी क्या देगी? भाई साहब उसका दिमाग खराब हो, उसका दिमाग चलना बंद हो गया। आप भी मम्मी और ये भी पापा है। मम्मी क्या देगी? मम्मी देगी कार।
कितना डरा हुआ है बेचारा बच्चा है। मम्मी ने पूछना चालू किया, उसका रोना बंद हो गया। गलत गलत बात है, इतना नहीं मानना चाहिए। मेरी मम्मी अगर तुम देख रही हो वीडियो, इतना नहीं मानना चाहिए बच्चों को। जो मारा है ना बचपन में मुझे टेबल पढ़ाने के लिए दीवार में सर ठोक ठोक के, गलत बात है। अभी वीडियो देख के फिर से मारने मत जाना मुझे। ₹50 कट ओवर एक्टिंग क्या है भाई? घर के अंदर घर है देखो, नेचुरल तो नहीं है ये। खिड़की मकड़ी का जाला है टुनाइट, मुझको बस जागना है। टमाटर भाई निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध सी सफेदी ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब रंगीन कपड़ा भी उसने पानी रोक दिया भाई। ये खेल रही सही स्टैचू तो कीचड़ कीचड़ भी डर रहा और वो बच्चा भी दिखा रहा है मम्मी देखो ना ये कौन सा पागलपन है ये अपने घर में तो नहीं होता। पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है दोस्तों। देखो ये वीडियो इतना बढ़िया एड बनाया था, इतना नॉनसेंस की दुनिया बात कर रही है उसके बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट एक्वा गर्ल ऑफ इंडिया बस यही रह गया था। यार ऐसा जरूरी नहीं है कि लवर वाले ही सीन हो, सकता है उसके पापा पापा हो, है कि नहीं? ऐसे हर चीज को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। सिर्फ गले ही तो लगे हैं, क्या हो गया? बच्ची है उसको खिला रहे हैं पापा, कौन सी बड़ी बात है? भाई साहब क्या क्या बोले ऐसे लोगों को भाई। घुटनों पे बैठ बैठ के आशी की लड़ाई जा रही है और घर में बेचारी आंटी जी को पोहे में नमक कम होने पे डांट पड़ती होगी। ये कहाँ जा रहे हैं बुजुर्ग? जहाँ जाना चाहिए वहां तो नहीं जा रहे, कहीं और ही जा रहे हैं। ओ दीदी हम मर गए थे क्या? अब भाइयों देख लो सब लड़कियां इधर जा रही हैं और हम सब सिंगल हैं। और उसकी सिंगल की स्पेलिंग इतनी ज्यादा गलत है कि भाई तू सिंगल ही अच्छा है। पर गलत बात है लड़कियों ये। बस में पकड़ी गई लड़की, क्या कर दिया इस लड़की ने? हाँ भाई मास्क नीचे कर, इतनी देर से तू लड़की बोल रहा। दोस्तों जरा इस लड़की को देखिए, असल में ये एक लड़का है। दोस्तों जरा इस लड़की को देखिए, इतना खींच खींच के बोलते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स वाले। और ये भाई साहब डेली लड़की बनकर महिलाओं के बस में फ्री में घूमते थे और एक दिन बस के कंडक्टर ने इन्हें दबोच लिया। यार इतना उच्च कोटि का तो सोचा ही नहीं किसी ने, इतना भी ज्यादा पैसा बचाया जा सकता है दिमाग से। मूछ वाली औरत। और अगर मान लो ये लड़का ना होता तो कंडक्टर की क्या हालत होती? पर कंडक्टर ने उसके मूछ के बाल कहीं मास्क में से निकलते हुए देख लिए होंगे। पर मूछों से पता है नहीं लगाया जा सकता कि लड़का है कि लड़की। जैसे कि एक ये महिला है, इनको अपनी मूछों पे बड़ा नाज है और ये अपनी मूछें ऐसे ही रखती है ताऊ में। ऐसे ही भाई कॉन्फिडेंट रहो अपनी जिंदगी में। बेचारे की मम्मी किराया नहीं देती होंगी इसलिए ये कदम उठाना पड़ गया। कुछ लड़कियां भाई बड़ी हर जगह सिंपैथी दे देती हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बेचारा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ मैंने इस बार एप्पल नहीं छुपाया क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कमेंट में कि मत छुपाओ, तुम डरो मत, जो लिया है गर्व से दिखाओ, तो मैं गर्व से दिखाऊंगा। और आप भी गर्व से चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और फेवरेट पार्ट कमेंट करना। बाकी मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जो क्या बीन बैग में फंस गया।